दाहिने से ना, कोई काम दाहिने से करना है, थोड़ा थोड़ा जान ले लीजिए, जिनका नजदीक में नहीं तो ऐसे ही चलेगा। ओम अमृता पिधा नमस्ते, केवल स्वाहा करना, इसलिए मंत्र याद नहीं है, इसका फोटो कॉपी दे देंगे तो याद कर लीजिएगा। और हम चाहेंगे कि आपका जो विद्यालय है, जो यहाँ आपका हॉस्टल चलता है, तो सप्ताह में एक दिन हवन होना चाहिए, ताकि बच्चों में विकारों का, विद्यालय में शुभ संस्कारों का आपका ये धीरे धीरे भरता जाए भंडार। ओम सत्यम यथा श्रीर्मयी श्रिया श्रियताम स्वाहा। अब हाथों को थोड़ा आपस में रगड़ करके शुद्धि कर लेते हैं। अब ये तीन जो मंत्र बोले उसका मैं अर्थ बता देता हूँ। पहला जो मंत्र है, हे जगदीश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, आप अमृत अर्थात मोक्ष के आश्रय हैं। हम सभी चाहते हैं ना, जीवन में जब बड़ा होंगे, नौकरी चाकरी करेंगे, धन संसाधन सब कुछ हो जाए, तो अंत में हम चाहते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो हम अमृत रूप से उस जगदीश्वर को ध्यान करते हैं कि हे परमात्मा, आप अमृत के स्वरूप हैं, आप मोक्ष के आश्रय हैं, इसलिए मैं आपको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि मेरा जीवन आपकी शरणागति हो जाए। दूसरा मंत्र का अर्थ है, हे जगदीश्वर, आप अमृत अर्थात मोक्षानंद को धारण कर।